देवास के सोन कक्ष में नील गाय को बचाने के चक्कर में 50 यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसा इंदौर भोपाल हाईवे पर रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सोन कक्ष सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर देवास रेफर कर दिया गया है। बस की टक्कर से नील गाय भी घायल हुई है, उसे इलाज के लिए वन विभाग के रेस्ट हाउस ले जाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्मा ट्रेवल्स जबलपुर की बस इंदौर जा रही थी। सोन कक्ष में ग्राम रोलू पिपलिया फाटे के पास अचानक नील गाय बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए बस खेत की तरफ मोड़ ली। अनियंत्रित होकर बस 20 किलोमीटर दूर जाकर बिजली के पोल से टकरा कर पलट गई। राहगीरों ने हाईवे पर तैनात 100 डायल को सूचना दी। पुलिस ने बस के कांच फोड़कर यात्रियों को निकाला। सोनकक्ष थाना TI नीता देयरवाल ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। सोनकक्ष सिविल अस्पताल के MLC रजिस्टर के मुताबिक 10 लोग घायल हैं, जिन्हें देवास रेफर किया गया है। इसमें लीलावती विश्वकर्मा निवासी तेंदुखेड़ा, चिंटू पासवान नरेंद्र निवासी बरेली, प्रेम पटेल रायसेन, राजकुमारी तिवारी नरबदी बाई, प्रेम नारायण तिवारी निवासी देवास, सोनू निवासी बड़वानी, हर्षित धाकड़ निवासी बरेली शामिल हैं। वहीं विद्युत विभाग के हेल्पर रविंद्र परिहार निवासी फावड़ा बस टकराने के बाद केबल काटने का कार्य कर रहे थे, अचानक पोल धंसने के कारण गिर गए। इससे उनके पैर में चोट आई है। घटना स्थल से करीब 7 किलोमीटर पहले ग्राम पिलवानी में एक ढाबे पर बस का स्टॉप था, जहां बस चालक सहित अन्य सवारियों ने चाय नाश्ता किया था। बताया जा रहा है कि चालक ने यहां पर रमजान होने से सहरी की, उसके बाद बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। घटना में मामूली चोटिल और स्वस्थ यात्री अपने सामान के साथ वर्मा ट्रेवल्स की एक अन्य बस में सवार होकर इंदौर के लिए रवाना हुए। जिन यात्रियों के सामान नहीं निकाले जा सके, उनके नाम नंबर पुलिस ने लिखे हैं। यात्रियों के सामान को इंदौर कंपनी के डिपो भेज दिया जाएगा। स्लीपर बस में करीब 50 यात्री थे। बस पलट गई, वो वहाँ पर गाय है तो लगता है वो गाय से टकरा गई गाड़ी, इसलिए बस पलट गई।